ये भी वापस आ गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? क्या बोलती है? इनुचियो सा। हाँ हाँ। थोड़ा देखाओ। आ यार लाइन लो। ओके ओके ओके। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो शूट रेशिप के अंदर, और आज मैं आपको बाहर लेके जाना होगा इसी का कि जापान। सबसे पहले तो मैं किरण का वेट कर रहा हूँ और विश्वास का। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, वाटर टाइट डोर खुल रहा है क्योंकि शिप पोर्ट में लग गया, तो अभी वाटर टाइट डोर खुल जाएंगे तो अभी नॉइस कम हो गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ विश्वास के केबिन में, मतलब किरण विश्वास के केबिन में ही है। किरण ये है पूरा इसिकाकी का टर्मिनल। काफ़ी धूप है यार यहाँ पे आज, ये पूरे पैसेंजर्स हैं और यहाँ का टेम्परेचर आज 32 डिग्री सेल्सियस। इसिकाकी जो आइलैंड है जापान के अंदर, ये फेमस है यहाँ पे बीचेस के लिए, वहाँ पे आप डाइविंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। और यहाँ का जो फेमस जो बीच है वो है कबीरा बे। अभी तो हम लोग सिटी जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ पे चलते हैं, इंफॉर्मेशन पूछते हैं थोड़ा इंग्लिश में। थैंक यू। यहाँ पे जाना है हमें, खजाना ढूंढना है इसिकाकी में, जमीन के अंदर खजाना है, उधर जाएंगे। वी पे हियर येन, जापान येन। यहाँ से हमने शटल बस लेनी है वन वे का, 200 येन पे करना है। विश्वास बहुत देर से नक्शा ही दे, बस में भी नक्शा ही देख रहे थे। तो कहाँ जाना है? हम किधर है वही ढूंढ रहे हैं, पहले जाना कहाँ है बाद में देखेंगे। पोर्ट से यहाँ तक हम शटल बस लेके आ गए हैं और अभी यहाँ पे दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं। 1 बजे शिप डॉक हो गया था अपने पोर्ट में और रात को सेलिंग होगी शिप की यहाँ से 10 बजे, और यहाँ से हमने शटल बस लेनी है वापस अंदर जाने के लिए 5 बजे। उससे पहले शटल बस नहीं मिलेगी या टैक्सी वगैरह देखेंगे। तो चले निकलें। बताओ क्या पता लगा? पता कुछ नहीं लगा, इसलिए विश्वास के हाथ में दे दिया। अब कुछ गलती हो गई उसके ऊपर इल्ज़ाम ठोक देंगे। नहीं मिला वो मुखड़े है के देख, इसमें मुखड़े चेक कर, इसमें सेम लिखावट है कि नहीं? सेम है, लिखा हुआ है के देख। बस ने हमें यहाँ पे छोड़ा था इसी का कि पोर्ट ऑफिस, और उससे बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ये पूरी स्ट्रीट है। But actually we are vegetarian. Sand. अबे ओह वेजिटेरियन। वेजिटेरियन सॉरी। तो इट्स ओके। ओके। थैंक यू। हॉट सैंड। हॉट सैंड। वेयर इज दिस? ओहाना पता के। ओवर देयर? या। ऑलराइट। थैंक यू। थैंक यू। ये देखो ये पसंद आया मुझे। मैग्नेट सेवेनियर। इसी काकी का। विश्वास काम की चीज़ मिली, आ जा। अरे ये देखो सामने से नीला ऊपर से सफ़ेद। ये लो आप सांप। सांप का क्या करें, सांप पाल के रखे हमने। ये देखो मेरे को कौन सा एनाकोंडा मिल गया है। गले में डालो इसको एक बार, जैसे लोग डालते हैं ना। अभी इसके गले में डाल के क्या नागिन डांस करूँ? चलो यार जल्दी करो शॉपिंग, निकलते हैं बाहर यहाँ से। कैसे एक्सचेंज? बैंक ऑफ को भी नाव मिल गया। थोड़े बहुत पैसे थे वो तो हमारे ख़त्म हो गए हैं जापानीज़ येन। यहाँ से सबसे पहले हमने मनी एक्सचेंज कराना होगा। ये मनी एक्सचेंज मशीन है मार्ट के अंदर, यहाँ से हम सबसे पहले हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जापानीज़ येन नहीं है, हमारे पास US डॉलर हैं, तो ये सारे हम यहाँ से एक्सचेंज करेंगे। चलो बताओ कैसे करना है, डालो। चलो अभी इधर देखना है आपको US डॉलर का कितना पैसा मिलता है। देखो ये US का है, 143.43 येन हमको मिलेगा एक US डॉलर का, तो हम करेंगे स्टार्ट। ओके आई एग्री। देन अभी हम डालेंगे यहाँ से नोट। चलो एक दो ले ले, इस नहीं ले रहा है, फोल्ड रहेगा उसमें थोड़ा सा। ये भी वापस आ गया। कहाँ से लेके आए? मुझे लेना है अपडेटेड आईफोन 15। मतलब खाली देखना है? नहीं नहीं लेना है। हम आज तय करके आए कि आईफोन इन्हें खरीदना है। ये सफेद बिल्डिंग देख के आपको कुछ याद है? नहीं। हम ऐसे एक दिन ग्रीस में घूमे थे। मिकोनस। जिसके रास्ते भी सफेद थे और कपड़े भी सफेद थे, लोगों के चेहरे भी सफेद थे और बिल्डिंग भी सफेद थे, सब कुछ। तो मिकोनस एक सिटी है ग्रीस में, आईलैंड, मतलब वहां पे सब कुछ सफेद है, घर रास्ते और
लोगों की गाड़ी गाड़ी सब कुछ वाला ब्लॉग आप मेरा देख लेना, मैं कौन से वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान है, लोग भी नहीं है। कहाँ मर गए सब गाँव वाले? अरे कहीं गए होंगे सब लोग। गाँव में कोई मेला है क्या? कैसा लग रहा हूँ मैं? क्या बोलती है? तो आप क्या करोगे उधर? गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग उधर क्या करेंगे? देखने का कौन सा पैसा लगता है, चलेंगे। आपको पता है मुझे कुछ नहीं लेना, विश्वास को पता है मुझे कुछ नहीं लेना, दुकान वाले को थोड़ी पता है। चलो घूमते, बाहर गर्मी है, थोड़ा एसी की हवा ले लेते हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ग्रोसरी से लेके कपड़े, कपड़े से लेके मैग्नेट तक सब कुछ मिलेगा। मैग्नेट से लेकर जूते तक, और चप्पल तक, चड्डी से लेकर गड्डी तक, यही मार्केट है। स्मॉल साइज होता ना, लगता है सारे गांव वाले यहीं पे आ गए हैं। कुछ सेल वेल लगी है लग रहा है मेरे को। मुझे ये पसंद आया तो ले लो, पसंद आ गया मेरे तो। घर वाले के लिए ले लूंगा एक, और एक मेरे लिए। घर वाली बाहर वाली इसके लिए भी लेना है ले लो। नहीं बाहर वाली नहीं, घर वाली जब बनेगी तब उसके लिए ले लेंगे। एक मॉडिफाइड घोस्ट राइडर है, इसके पीछे कार का टायर लगा रखा है। काफ़ी सुनसान सा आइलैंड है, बहुत कम आबादी है। बारिश होने लगी है यहाँ पे अभी। बारिश का मौसम मेरे संदेश को बता रही है। यहाँ पे तो आ गई अभी बारिश। बारिश में भीगने से अच्छा है कोई शॉप में जाके उसके अंदर देखते क्या मिलता है। बारिश तो हो रही है यार, चलो देखते क्या मिलता है, आ जाओ। चलो फिर से हम एक शॉप के अंदर जा रहे हैं, लेना तो कुछ नहीं है, मैं ताइवान से करूँगा शॉपिंग, लेकिन चलो देख लेते हैं। तुमको पता है लेना कुछ नहीं है, मुझे पता है लेना कुछ नहीं है, शॉप वाले को थोड़ी पता है मुझे कुछ लेना। अपना वटक ले लो। पूरे जापान में मुझे पूरे स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म सेम ही जैसी लगती है। घूमते घूमते बहुत आगे आ गए हैं, और यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं अभी, मतलब शिप में पैदल भी जा सकते हैं। ब्रिज के बिल्कुल पास पहुँच गए हम, और यहीं पे एक फैमिली मार्ट है। कितने लोग अंदर चले, पहले कुछ ले टाइम है आप लोग ले लेते हैं खाने पीने का। तो अभी हमको मिला है जापानीज कॉफ़ी, क्या नाम है इसका, जॉर्जिया कॉफ़ी। इन 1975 में बना था। देखो दीपक भाई ने हमारे लिए कॉफ़ी लिया है, इसका टेस्ट सही है। लेकिन कल विश्वास जो लेके आया था, बहुत बहुत मतलब बहुत वाहियात चीज़ लेके आया था। जिंदगी में इतनी गंदी कॉफी मैंने खुद नहीं बनाई और मैंने खुद नहीं पी। अभी विश्वास जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताओ। बीमार पड़ने के बाद जो काढ़ा पीते हैं ना हम लोग, ऐसा आग मूंद करके। लेकिन गाइस सच में ये कॉफी अच्छी है, कल जो पी थी वो कॉफी से क्या बोलते हैं उसे, कंपैरिजन करेंगे वो कॉफी से कंपैरिजन करेंगे तो ये कॉफी अच्छी थी, सस्ती भी है। ये एक्चुअली क्या हुआ, मैंने नागासाकी में ट्राई किया हुआ था ये, तो मुझे पता था ये अच्छी है इसीलिए यहाँ पे। लेकिन कल नाहा में हमने जो कॉफी पी थी वाहियात, 450 रुपये गए हमारे दो लोगों के लिए बकवास कॉफी। ये 350 में तीन लोगों के लिए कॉफी खरीदी, बताओ। यहाँ पे अभी हम लोग ब्रिज के बिल्कुल पास पहुँचने वाले हैं। ये है ब्रिज ब्लू कलर का जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और यहाँ से नज़ारा देखिए, ये पीछे क्लाउड्स देखिए क्या मस्त लग रहा है, और पीछे है सिटी, वहाँ पे मस्त नज़ारा है। और अपना शिप यहाँ से काफ़ी दूर है, आपको दिख रहा होगा, अब वहाँ पे है। ये है ताइपे, ताइपे किलुंग में हम लोग जाते हैं। किलुंग है ये, शांगा ये चाइना आता है, ये नहा है। यहाँ से हम कल आए हैं, जो हम यहाँ आए हैं इशिगाकी में, और हमें यहाँ जाना है ताइपे। ताइपे जाएंगे कल, ताइपे जाएंगे, चल रहे हैं यहाँ पे। ओके ताइपे जाएंगे, और 30 दिन बाद मैं यहाँ जाऊँगा सिंगापुर, फिर नहीं ही मैं सिंगापुर से घर जाऊँगा। ओके हांगकांग से फ्लाइट से जाओगे? नहीं नहीं सिंगापुर से सीधा दिल्ली, दिल्ली से पुणे चल के जाएंगा। चल के जाएगा। और यहाँ पे भी गया हूँ, मियाको जापान, मियाकोजिमा। क्या शानदार कलाकारी है, ऐसी मछली मेरे पास होती मैं क्या करता, तल के खाता, तल के खाता। यही ब्रिज है, और काफ़ी नज़दीक है यार, मतलब इन्होंने हमसे 200 येन ले लिए हैं, वो होते हैं अराउंड अगर कन्वर्ट करेंगे तो 110 रुपये इंडिया के। और इंडिया में अगर आप बस में जाओगे तो ये मान लो 110 रुपये में आई थिंक आप 50 किलोमीटर तो जा सकते हो, जा सकते हैं। और हिल एरिया है तो हिल एरिया में अराउंड 60 किलोमीटर शायद, लेकिन यहाँ पर बहुत नज़दीक है, देखिए यहीं पर था।
हाँ वहाँ पे तो गए हम, ये अपना शिप है और हम आए यहाँ पे, लेकिन हम आए घूम के, जैसे हमें मुंबई में रिक्शा वाले घुमाते हैं, आपको पता नहीं होता जाना कहाँ पे, आप रिक्शा में बैठ जाते हैं और रिक्शा वाले घुमा 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 के वही जगह पे लेके आते हैं और पैसा डबल टिबल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा 2.5 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा। देखिए इनकी रेस हो रही है, नंबर वन सेकंड थर्ड। यही पास में एक बहुत प्यारा गार्डन, चलो हम उधर जाते हैं, आपका थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? संभव है गार्डन में आने से कैसे बढ़ जाएंगे? चलते हैं, लोगों को गार्डन पसंद है, नेचर पसंद है, चलो फिर। गार्डन में कपल होगा तो वो भी पसंद है। ये गाड़ी पसंद आई मेरे को, पहले मैं एक किडनी बेचूंगा, फिर एक बच जाएगी, फिर मैं एक आग बेचूंगा, फिर एक बच जाएगी, फिर मैं दूसरी किडनी बेचूंगा, फिर मैं एक आग भी बेच डालूंगा। लेकिन बेचने किसकी है? लेकिन बेचूंगा विश्वास की। पूतिया साले। 1999, ये मेरी गाड़ी का नंबर है। आपकी होगी? लेकिन मेरी काली है। तो कलर चेंज कर लिया होगा? डेंटिंग बेंटिंग हो जाती नहीं, है। नहीं विश्वास, ये गाड़ी धूप में खड़ी रह के काला कलर उड़ गया इसका। लेकिन मुंबई से यहाँ कैसे आ गई है? क्यों, लाइसेंस है? उड़ के आई है क्या? टार्जन कार है क्या? प्यारा गार्डन है यार, और यहाँ से सामने सी व्यू, क्या जबरदस्त लग रहा है। और ये है हमारे नेचर लवर, ये बंदा बहुत जबराट है। बस ये इसका क्या बोलते हैं, किस किस का फोटो लेते हैं? झाड़, पौधे, पेड़, आसमान, गिरगिट, मच्छर। मेंढक का फोटो निकाला है, देखो अभी मेंढक का। बहुत ऑसम जगह है यार, गार्डन मस्त लग रहा है सामने, बिल्कुल स्विट्जरलैंड दिख रहा है दीपक भाई, स्विट्जरलैंड। बताओ, सब ग्रीनरी ग्रीनरी, एक बार स्विट्जरलैंड गया था ऐसा ही था सब जगह। हेलो फिश, यू आर कैचिंग फिश? फिश 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 या नो नो ओके ओके यू नो आलो するのはね、命をさ、取るでしょ？あ、やらないの。OK, OK, OK. 逆に、食べるものを何てやるの？ OK, OK. 米。フィッシュけれ खाना डाल रहा है。OK, समझ गया मैं। ये जो यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये मछलियों को खाना खिला रहे हैं यहाँ पे। समाज सेवा। You are doing a good job. 食べたせね。生かしてやるの。食ってね。नहीं नहीं, मच्छी नहीं पकड़े तो मच्छी ला खाना खा लगते। बिल्ली मिल गई, मेरी फेवरेट बिल्ली। दीपक भाई, नेपाल काठमांडू। विश्वास माझा व्हिडिओ काढ, विश्वास आई नो विश्वास, तो सीन मारू दे मला, मांजर येत भेटली तिथं, व्हिडिओ काढ। दिल्ली या न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली, दिल्ली या। How are you? Okay, bye. Bye. यार पहले मुझे लगा कि वो मतलब मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन नहीं, वो बंदा बहुत ज़्यादा समझदार है। वो अपनी भाषा में बोल रहा था कि मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब उसके गले में ऐसे कांटा फंस जाता है ये वो, लेकिन वो पता है राइस मछलियों को खाना खिला रहा था बंदा, और वो जानता भी था, जैसे थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा था। जैसे वो कह रहा था कि इंडिया में दिल्ली, न्यू दिल्ली, नेपाल, काठमांडू, ये सब उसको पता था, मतलब जो भाई साहब वहाँ पे थे अभी आपको दिखाया था मैंने। नहीं नहीं, होशियार था वो बंदा, तब फाइनली मान गया अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। पहला मुंह साफ करेगा, फिर उसका जो टॉवेल है वो फोल्ड करके वापस रखेगा। किसी को बताना नहीं, लोग चोरी कर लेंगे। ये देखो, पेट अंदर ले रहा है, मैन विल बी मैन, इम्पेरल ब्लू हो गया, रिलैक्स हो जाओ, हो गया। ये है टेबल और सामने चेयर, ये पत्थर को पूरा काट के बनाया हुआ है, और ये दोनों क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्या मिल गया आप लोगों को, सांप मिल गया क्या? नहीं दीपक भाई, बिल्ली है वो, और वाओ कितनी प्यारी बिल्ली है यार, व्हाइट कलर की मस्त, सफेद बिल्ली तो मैंने आपको दिखाई थी, यहीं पे हमको काली बिल्ली भी मिल गई, और ये बिल्ली मेरी दोस्त है। वाओ, हाय बिल्ली, ये बिल्कुल डर नहीं, बहुत क्यूट है यार, ये प्रेग्नेंट है। लेकिन रो क्यों रही है? रो नहीं रही, प्रेग्नेंट है। पहले बच्चा हो रहा है उसको, मस्त है, लगता है किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं बच्ची।
चलो जंप मारो नीचे। जंप नहीं, फोटो मारो तुम। तो चलो निकलते हैं शिप के लिए। अरे लेकिन एक बंदा तो ऊपर रह गया, आ रहा है बंदा। उतारो पहले। अरे कूदना मत, आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास उतर पाएगा या क्रेन मंगवाओ तुम्हारे लिए? वो देखो कैसा लटक रहा है। अरे गिर जाएगा। सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो बगीरा के साथ? इसका नाम बगीरा नहीं, ये बिल्ली है। हम बिल्ली को ही पूछ रहे हैं। जो गार्डन है, ये गार्डन बिल्लियों का ही है। यहाँ पे पीछे देखिए आप, पूरी बिल्लियाँ बना रखी है। तो यहाँ पे जगह जगह में बिल्लियाँ मिल रही हैं। सामने भी यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप वहाँ जाते हैं ना टर्की, इस्तांबुल, या फिर आप वहाँ जाएंगे इजिप्ट, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ मिलेंगी आपको। ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रही हो? बिया हुआ है? नाम क्या है तुम्हारा? यहाँ पे हमारे फरहान अख्तर को पता नहीं कौन सा जानवर मिल गया अभी। ये तो स्नेल है। गूगल गाय बोलते हैं हमारे यहाँ इसे। गूगल गाय नहीं, गूगल गाय। गूगल गाय, इसकी एक सिंग टच करो, अंदर ले गाओ। कछुए की तरह? हाँ। देखो मुंडी भी अंदर ले ली उसने, लेकिन काफी बड़ा स्नेल है यार ये। ये भी कछुए की तरह धीरे धीरे चलता है। बहुत धीरे चलता है। कछुए का भाई है ना, उसका कवच भी है उसके पास, भाई होगा वो। बिल्कुल टर्मिनल के पास पहुंच चुके हैं हम। अरे हमारे फरहान अख्तर आ जाओ। अरे भाई शिप को पनवेल लेके जाना है, कल पनवेल निकलना है। आ जाओ यार, शिप भी लेके जाना है, 1 किलो में भी जल्दी आओ भाई साहब। मतलब ये सच में फरहान अख्तर है यार। सच में भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है बस से आते तो जल्दी पहुंच जाते। सही में बता रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे टाइम 6:30 हो गया है, लेकिन हम लोग वहाँ से 4 बजे निकल गए थे। हमने सोचा चलो 4:30 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं, इस बंदे के चक्कर में यहाँ पे 6:30 हो गया। आप बोले कि ऑडियंस को गार्डन दिखाना है, गार्डन दिखाने के चक्कर में ये फरहान अख्तर बन गया इधर। बताओ इसको अब्बा बोलते थे, इसको ये बोलता था मुझे अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी इसको लेके गया मैं। कितनी फोटो लिए? 468 फोटो इस बंदे ने खींच लिया। वो भी पता है किसकी? सिर्फ घास, कीड़े, मकोड़े, पूरा नेचर का, समंदर, आसमान और क्या, पानी। और बंदा वहां से हंस रहा है हमें 2.5 घंटा लेट करा के। देखो दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है। यहाँ से एक बार मैं आपको पूरा टर्मिनल दिखा देता हूँ। ये शिप, ये पीछे आपको शिप दिख रहा होगा। तो चलिए इस ब्लॉक में पेंट करते हैं। रुको 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 रुको, मेरे बारे में तो सुनो गाइस। मेरा नाम किरण है, किरण टाकलकर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, IMKT। और चलो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।